देखिए, अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज बुनियादी तौर पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आम तौर पे फंडामेंटली उसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं। वैसे तो उसकी स्कोप बहुत एक्सटेंडेड है। एक गुड्स होती हैं जो कि टेंजिबल चीज़ें होती हैं, और एक सर्विसेज होती हैं जो कि टेंजिबल नहीं होती। लेकिन अच्छा, ये टेंजिबल नहीं होती, विजिबल भी नहीं होती, फिर ये होती क्या है और होती क्यों है? जनाब, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेंजिबिलिटी नहीं रखती, विजिबिलिटी नहीं रखती, लेकिन अपनी यूटिलिटी रखती हैं। यानी उनका एक बेनिफिट होता है जो हमें मिलता है या हमें पहुंचता है। मैं आप एक समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल, बिल्कुल सोशल लाइफ से। ये जो दोस्त लोग होते हैं, इनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है? ये दोस्त क्या करते हैं? ये अजीज़ व अकारब क्या करते हैं? ये फैमिली क्या होती है? इसलिए होती है ना कि हमें तन्हाई महसूस ना हो। कोई साहब आते हैं, वो आके हमारे पास बैठ जाते हैं, हमारे साथ कोई गुफ्तगू करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। उनके आने से और उनका हमारे पास वक्त गुजारने से क्या हमें कोई फ़ायदा होता है? होता है ना जनाब। तो हालांकि वो ना तो जब वो आते हैं तो हमारे लिए कुछ लाते हैं, ना वो जाते हैं ना कुछ छोड़ के जाते हैं, मगर हमें लगता है कि वो आए थे तो कुछ लाए थे, वो गए हैं तो कुछ छोड़ गए हैं। वो आए थे तो अपनी कंपनी लाए थे, वो गए हैं तो अपनी यादें छोड़ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो बात मैंने आप लोगों से कही वो बिल्कुल ठीक है ना, कि दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ें फ़ायदा देती हों जो टेंजिबल हों और विजिबल हों। इसी तरह से जनाब, सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं सर्विसेज, आइए देखते हैं। तो सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, इनविजिबल होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, और रिजल्ट्स इनटू वैल्यू एंड बेनिफिट जिसकी वैल्यू एक्सचेंज में होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस और एजुकेशन सर्विस। ये हम एक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो डॉक्टर साहब हमसे कोई गुफ्तगू करते हैं, सवाल करते हैं, हमें बगौर देखते हैं, हमारा जायज़ा लेते हैं, एक पर्ची सी लिख के दे देते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो कैश काउंटर पे कोई साहब हमसे पैसे ले लेते हैं, हालांकि हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें कुछ भी नहीं दिया, डॉक्टर साहब ने हमें सर्विस दी होती है। क्योंकि हम जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, फिजिशियन के पास जाते हैं ना, तो हमें कोई कोई मसला होता है ना, फिजिकली हम फिट नहीं होते, तो हम उनके पास पहुंचते हैं और वो हमारा जो जायज़ा लेते हैं, हमसे जो गुफ्तगू करते हैं, वो हमें सर्विस देते हैं और हमें ठीक होने के लिए कुछ अद्वियात लिख के देते हैं, और उसका फिर वो हमसे मुआवजा लेते हैं। असल में वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसको हेल्थ सर्विस कहते हैं। बैंकर हैं, हमसे पैसे लेते हैं, हमसे पैसे लेते हैं और हमारे पैसे अपने पास रखने के पैसे लेते हैं। वो क्या करते हैं? कोई चीज़ देते तो है नहीं, अक्सर हमसे चीज़ें ले लेते हैं। असल में बैंकर आपको एक सर्विस, इम्पॉर्टेंट सर्विस देते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है, इसी तरह और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ज़िंदगी में हम हासिल करते हैं। तो जो सर्विसेज हैं वो बहुत अहम होती हैं। आइए देखते हैं जो सर्विसेज हैं वो किस तरह प्रोडक्ट्स यानी गुड्स से मुख्तलिफ होती हैं और प्रोडक्ट का कैसे वो हिस्सा होती हैं। देखिए, जो सर्विसेज हैं उनके चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर वन, वो इनटेंजिबल होती हैं, यानी उनका कोई वजूद नहीं होता, उनको आप टच नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो इनविजिबल भी होती हैं, उनको आप देख नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि वेरिएबिलिटी, जो सर्विसेज होती हैं ना उनमें वेरिएशन बहुत होती है। यानी ऐसा प्लांट तो दुनिया में लगा हो सकता है जिससे आप चीज़ें कंट्रोल करके एक ही तरह की चीज़ें बनाते जाएं, लेकिन सर्विसेज अपनी प्रोविजन में वेरी कर सकती हैं। दो के कोशिश की जाती है कि उनमें वेरिएशन कम हो। अब एक दफ़ा एक बैंक जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बात आपको उतना अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि जो सर्विस है उसकी प्रोविजन में ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ह्यूमन बीइंग्स की सर्विस डिलीवरी हमेशा एक सी नहीं हो सकती। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आप इतनी सारी मेरी वीडियोस देख कर आए, आपको यकीनन कहीं वेरिएशन भी नज़र आई होगी। वो इसीलिए है कि बहुत कम ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा एक तरह से ही डिलीवर कर सकें, तो सर्विसेज में वेरिएशन होती है।
انسیپریبلٹی جو سروسز ہیں ان کو اس کے پرووائڈر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی مشکل چیز ہے. یعنی پروڈکٹس کو ان کے بنانے والوں سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے, سروسز کو ان کے پرووائڈ کرنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک سوال آپ یہاں اٹھا سکتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی نے اب یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ٹیچرز کی سروسز کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں پارشلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس ریکارڈنگ سے ٹیچر کی سروس کسی حد تک سیپریٹ ہوئی ہے, لیکن ہول پیکج سیپریٹ نہیں ہوا ہے. پیرشیبلٹی, پھر جو سروسز ہوتی ہیں نا, اب یہ بھی یہاں بھی ایک کوالیفائر آئے گا ابھی, لیکن عام طور پہ جس طرح گڈس جو ہوتی ہیں ان کو کچھ عرصہ کے لیے اسٹور کیا جا سکتا ہے, ساری قسم کی سروسز کو آپ اسٹور نہیں. اس طرح مثال طور پر ایئر لائن سروس کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے, ڈاکٹر کی سروس کو بھی شاید آپ اسٹور نہیں کر سکتے. ہاں ابھی ٹیچر کی سروس کے بارے میں یہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ریکارڈڈ لیکچرز کی صورت میں ٹیچرز کی سروسز کسی حد تک اب اسٹور کی جا سکتی ہیں, لیکن عام طور پہ یاد رکھیے گا جو سروسز ہیں وہ چار حوالوں سے پروڈکٹس سے مختلف ہوتی ہیں. ایک تو وہ انٹینجیبل ہوتی ہیں, ویریبل ہوتی ہیں, انسیپریبل ہوتی ہیں اور پیریشیبل ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سروسز کا یہ تصور کلیئر ہوا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.